ऐसा है क्या? कल से तुम्हारी ऑप्टिक्स शुरू हो रही होगी। अरे ऑप्टिक्स इधर देख, अपने को बात करनी है। लास्ट अपन ने कहां तक देखा था? ये हो गया। अब वाह, बहुत बढ़िया। चलो चुपचाप पढ़ ले। तो देखिएगा, यहां पर अपने को अगर ये हो जाता है ना, तो अपन डिस्कशन भी कर लेंगे। पहले ये पढ़ लेते हैं। यहां पर अपने को इस क्वेश्चन में मैंने कहा था कि घर से इसको करके लाइएगा, और बात थी कि ये सी से डी वाला जो गैप है ये कितना है। तो कितना आया, किसी का आंसर आया? टू पॉइंट फाइव पॉइंट 1.25। सही है भाई का 1.25। और किसी का आया 1.25? वो था ना एक पीछे आंसर देता रहता था विदेशी। अच्छा, बुखार है क्या? चलिए तो यहां पर बात कर लेते हैं, इस वाले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। इसमें अपने को क्या कहा है कि सी से डी का डिस्प्लेसमेंट हमें बताना है, और यहां पर टेक्निक क्या है? शांति से बेटे, मनोरंजन नहीं। यहां पर अपने को सी से डी का जो गैप पता करना है, उसके लिए प्रॉपर तकनीक क्या है? सबसे पहले तो आप इस तरीके से ये ट्राइंगल बनाएं, जिसकी ये साइड क्या है, यहां से बिल्कुल सीधा फेंका गया है इसको, कितनी रफ्तार से, और ये एंगल कितना है, 60 डिग्री। और आप जानते हैं कि अगर मैं यहां इस ट्रायंगल को देखूं, यहां से अगर इसको सीधा फेंका जाता, तो अगर इस पॉइंट को, नीचे वाले इस पॉइंट को ओ नाम से लिख देता, तो ये क्या हो जाता, OC। और ट्रायंगल देखो, इस ट्रायंगल में ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, टेन सिक्सटी इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाय बेस 5, और 1060 √3। अरे हाँ, तो यहां से ये क्या हो जाएगा, OC बराबर 5 √3। फिर इसके बाद अब मैं जानता हूं कि प्रोजेक्टाइल को जब यू स्पीड से किसी थीटा एंगल से फायर किया है, तो ये एक्चुअली इस तरीके का कर्व्ड पाथ फॉलो करके कहां पर पहुंच रहा है, डी पर। और अगर मैं यहां पर ये वाला डिस्प्लेसमेंट वाई पता करना चाहूं, किस डायरेक्शन में, वर्टिकल डायरेक्शन में, तो आप मुझे ये बताइए, वर्टिकल डायरेक्शन में या वाई डायरेक्शन में इसके पास इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? तो आप लिखेंगे वर्टिकल डायरेक्शन में ये कंपोनेंट कितना है बेटा, 20 sin 60। वर्टिकल डायरेक्शन में इसका एक्सेलरेशन कितना है, -g। वर्टिकल डायरेक्शन में हमारे पास टाइम कितना है, और ये टाइम हमें सोचना पड़ेगा, टाइम यहां पर कैसे निकलेगा, गौर से देखना बेटा। सबसे पहले तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी यहां पर देख लो, ये हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 20 cos, जो कि कितना होता है, 10। तो हॉरिजॉन्टल में यहां से दीवार तक आने में कितना चलना है, तो यहां दीवार को किस टाइम पर हिट करेगी ये, तो टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितनी है, 5, और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी 10। तो दीवार को ये बॉल कितनी देर में हिट करेगी, हाफ सेकंड में। तो यहां पर ये टाइम जो था ये पता लग गया, हाफ सेकंड में ये बॉल दीवार को हिट कर जाएगी, और हाफ सेकंड में ही मुझे क्या जानना है, वाई। तो मैं कौन सी इक्वेशन लगा दूंगा इन सबसे, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन होती है वाई इज इक्वल्स टू UYT माइनस हाफ GT स्क्वायर। तो Y इज इक्वल्स टू UY, ये कितना होता है बेटा,
टेन रूट थ्री, टाइम कितना है वन बाय टू, माइनस हाफ जी कितना है टेन, टाइम कितना है वन बाय टू का स्क्वायर। तो यहां से y ही क्या है ओडी, अरे है ना, और कितना हो जाएगा पांच रूट तीन माइनस टेन बाय एट। कोई दुख हो तो बताओ, नहीं ना। अब यहां से अपने को क्या पता करना है बेटा, सीडी। तो सीडी बराबर ओसी माइनस ओसी कितना है पांच रूट तीन, माइनस ओडी कितना है फाइव रूट थ्री माइनस टेन बाय एट, माइनस माइनस फाइव बाय फोर, दैट इज वन पॉइंट। इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है ये सोचते हैं अपन। क्वेश्चन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना यहां से अपने को कॉन्सेप्ट समझना है वो इंपॉर्टेंट है। कॉन्सेप्ट ये बेटे कि जब भी किसी भी प्रोजेक्टाइल के तौर पर किसी बॉल को, किसी गन को इस तरीके से चलाया जाता है कि गोली निकलेगी, सीधी जाएगी और यहां पर एम किया जाता है। मान लो यहां पर कोई शिकारी है और यहां पर कोई बंदर है सी पॉइंट पर, और वो शिकारी बंदर को देखता हुआ सीधा एम करता है, तो हम सब जानते हैं ड्यू टू ग्रेविटी वो बंदूक की गोली वहां हिट ना कर वहां से थोड़ा नीचे हिट करेगी, करेगी कि नहीं। और उस टी समय में, अच्छा इस डेविएशन का कारण कौन है, ग्रेविटी, और ग्रेविटी का इस इक्वेशन में रोल कहां आ रहा है, हाफ जी टी स्क्वायर, यानी जितना समय होगा उस समय के हिसाब से डेविएशन किससे कैलकुलेट करेंगे, हाफ जी टी स्क्वायर। ये 10 बाय 8 क्या है, हाफ जी टी स्क्वायर ही तो है। तो जब बुलेट यहां से यहां जाएगी तो कितना नीचे ये झुक जाएगी बुलेट, इसका पाथ कितना कर्व्ड हो जाएगा, ये गैप इन शॉर्ट आप किससे पता कर सकते हैं, हाफ जी टी स्क्वायर से पता कर सकते हैं किसी भी क्वेश्चन में। मतलब इस क्वेश्चन की लैंग्वेज ऐसी होती कि एक बंदर वहां बैठा है, शिकारी यहां है, शिकारी ने गोली चलाई, बंदर नहीं भागा, बंदर वहीं का वहीं बैठा हुआ है, और अब गोली जाकर जहां पर लगी बताइए उस पॉइंट की बंदर से कितनी दूरी है, तो हाफ जी टी स्क्वायर, जहां टी बताना पड़ेगा कि आखिर ये गोली बंदर को कितनी देर बाद जाके लगे, एक सेकंड, आधा सेकंड, डेढ़ सेकंड, उसके मुताबिक यहां पर ये गैप पता लग जाएगा कितनी देर बाद, सॉरी कितना नीचे वो बुलेट हिट करेगी। सही बात है। हाँ, स्टैंडर्ड वैल्यू है, बिल्कुल परफेक्ट स्टैंडर्ड वैल्यू। ये डेविएशन किससे है, जिस स्ट्रेट लाइन पाथ पर, मान लो मैंने एक बुलेट को, सुनो ध्यान से ये और सीख लो, जैसे मैंने यहां पर एक इस तरीके से होता ना वो शूटिंग वूटिंग वाले खेलते रहते हैं, तो यहां से एक बंदा बुलेट चलाता है और वो बिल्कुल सीधा इस पॉइंट को एम करता है, और फिर पूछा जाता है कि जब ये बुलेट यहां पर हिट करेगी तो यहां कहीं हिट करेगी, और कहा जाता है कि बताइए कितना नीचे हिट करेगी, तो आप फिर से क्या लिख सकते हैं, हाफ जी टी स्क्वायर। डजंट मैटर यू क्या है, बस आपको लिखना है हाफ जी टी स्क्वायर। अब वहां से बुलेट को यहां तक हिट करने में जितना भी समय लग रहा है, एक सेकेंड, दो सेकेंड, उसके अकॉर्डिंग हाफ जी टी स्क्वायर पता लग जाता है। ठीक है,
लिखा। हाँ बेटा, रिलेटिव बाकी है प्रोजेक्टाइल के बाद यार। अब उसमें कितना समय लगता है ये तो मैं हर बार कहता हूँ, तुम पर निर्भर करता है। मतलब नॉर्मल क्लास है तो 2.5 लेक्चर में रिलेटिव हो जाता है, इंक्लूडिंग यू इट मे टेक 3 to 3 साढ़े 3 लेक्चर। नहीं, इतना भी नहीं है ये। बड़े आगे चलिए, तो हम यहां पर फॉर्मूलाज पर आते हैं कि प्रोजेक्टाइल के केस में हम ये बात कहे हैं कि जब वेलोसिटी मुद्दा उठाती है, किसी बॉडी को यू वेलोसिटी से थीटा एंगल से प्रोजेक्ट किया जाता है, तो हम क्या कहते हैं कि उसके दो कंपोनेंट होते हैं, एक हॉरिजॉन्टल और एक इस वर्टिकल कंपोनेंट, जिसको हम यू वाई कह के भी बुलाते हैं। इस UI कंपोनेंट के आधार पर ही ये डिसाइड होता है कि ये कंपोनेंट जितना ज्यादा होगा वो प्रोजेक्टाइल उतनी ही हाइट पर जाएगा और उतना ज्यादा ही टाइम लेगा। सही बात है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो सिर्फ इसको कहां ले जा सकता है, आगे ऊंचाई पर कितना जाना है, कितना टाइम कंज्यूम करना है हवा में, वो सारा उस वर्टिकल कंपोनेंट के थ्रू डिसाइड होता है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट अपन यहां पर लिखते हैं, सीखते हैं कि जब हम 1D पढ़े थे तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या आया था बेटा, 2UY/G। यहां वो UY, ये U sin थीटा है, कोई आपत्ति? इसी फॉर्मूले को आप चाहें तो ऐसा भी लिख सकते हैं, क्योंकि UY के अंदर कौन छुपा है, U sin थीटा। दोनों अपने को पता होने चाहिए बराबरी से। हम ये भी जानते हैं कितना हाइट ऊपर जाना है, ये जो हाइट है एच, इसकी बात मैं कर रहा हूं, मैक्सिमम हाइट। तो मैक्सिमम हाइट भी किस पर डिपेंड करती है बेटे, यू वाई पर। तो मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला भी हो जाता है UY² / 2G, और इसी को यहां पर ऐसा भी लिखा जा सकता है, U² sin²θ/2G। ये भी मुझे याद रखना है। बात आती है यहां पर रेंज की, तो रेंज क्या होती है, यहां कितना आगे जाकर ये बॉल गिरेगी, और रेंज मतलब हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट। और हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट यहां पर जो रेंज है वो डिपेंड करती है हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टाइम पर। तो हम जानते हैं वहां से यहां तक गिरने में इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी थ्रू आउट दी मोशन क्या रही, U cos थीटा। और वहां से यहां तक गिरने में जो टाइम लगा वो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना लगा, 2U sin θ/G। तो इसी रेंज के फॉर्मूले को आपको दोनों तरीके से याद रखना है, गौर से देखिएगा। इसको ऐसे भी याद रखना है, 2 ये कौन है, UX ये कौन है, / G। और इसी फॉर्मूले को ऐसे भी याद रखना है, U और 2 sin θ cos θ/G। ठीक है, थोड़ी सी बात मैं यहां पर बढ़ा देता हूं। फॉर मैक्सिमम रेंज, कि बेटे जैसे मान लो यहां पर रेंज पर कुछ विचार विमर्श ऐसा बनता है कि रेंज को मैक्सिमाइज करना है। अब रेंज को मैक्सिमाइज करने का आइडिया का इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब यह है कि एक बाउंड्री है, बाउंड्री क्रिकेट मैच चल रहा है, बाउंड्री पर जडेजा खड़ा हुआ है और उसको उसके पास बॉल आई, और अब वो बॉल को फेंकना चाहता है उस विकेट कीपर के पास तक। बड़ा सा ग्राउंड होता है, कोई छोटा ग्राउंड है कोई बड़ा ग्राउंड है, छोटे ग्राउंड में उसको उसका उतना ज्यादा दम नहीं निकालना पड़ता, या छोटे ग्राउंड में ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता। ग्राउंड जो बड़ा होता है और उसको वहां तक बॉल को फेंकना है, तो वो क्या करता है बेटा, वो अपनी पूरी दम से बॉल फेंकेगा, हाँ के ना।
अब पूरे दम से बॉल फेंकना, यानी यू जो है उसका वहां पर अपना इस्तेमाल करेगा, वो कितनी रफ्तार से बॉल फेंक सकता है। तो मान लो जडेजा के हाथ में इतना दम है कि वो बॉल को 50 किलोमीटर पर आर से थ्रो कर सकता है, ठीक है बात। अब वो थ्रो तो कर सकता है 50 किलोमीटर पर आर से, इसके बाद अब वो अपनी इससे ज्यादा स्पीड नहीं बढ़ा सकता। पर फिर भी अगर वो चुनता है कि मैं मैक्सिमम रेंज के लिए, अधिकतम दूरी के लिए फेंकूंगा, तो उसके लिए उसे क्या करना पड़ेगा बेटा, उसे ये एंगल एडजस्ट करना पड़ेगा। हाँ के ना, आप सब जानते हैं किस एंगल पर मैक्सिमम रेंज हो जाती है, 45। तो हम यहां पर फॉर मैक्सिमम रेंज सीधा सीधा लिख दे बिना दिमाग लगाए कि मैक्सिमम रेंज के लिए थीटा, उस कंडीशन में रेंज जो मिलेगी वो थीटा 45 रखेंगे तो साइन 2 थीटा 90 और साइन 90 तो आर मैक्स यू स्क्वायर बाय जी। मतलब सवाल जब भी पूछा जाएगा मैक्सिमम रेंज, तो आप ये मत कह देना कि वेलोसिटी ज्यादा बढ़ा दो ना, वो पूछ रहा है मैक्सिमम रेंज, मतलब वेलोसिटी ऑलरेडी उसने अपनी मैक्सिमम यूज की हुई है। अब आपका सेटलमेंट है किस पर, एंगल पर, एंगल कितना रखेंगे उसके अकॉर्डिंग मैक्सिमम रेंज आपको वहां से प्राप्त करनी है, ठीक है। और वो ऐसा सिचुएशन ये बनेगा और रेंज की मैक्सिमम वैल्यू यू स्क्वायर बाय जी निकल कर आ जाती है। छापे दादा लिख लो पहले यार, बिना एंटरटेनमेंट के बिना बातें की चुपचाप से। लिखा कौन सा पीछे वाला, चाणक्य नहीं बन रहे बेटा, तू नेता बन रहा है बस। नहीं ऐसा होता है ना बेटा, तीर तो हवा में बहुत जगह उड़ते रहते हैं, अब आगे जाके खड़ा हो ना, और क्या, अब तुम ही आगे जाके खड़े हो जाओ तो क्या मतलब है। यार भाई तू खुद चल के आगे आता है, मतलब ये तो वैसी बात बोल रहा है कि ऐसी कंडीशन में मैं अपने आप कैसे आगे आ जाता हूं, कोशिश भी यही करता है। लिखा, चलिए तो इन फॉर्मूलाज पर बेस्ड कुछ जो बेसिक सवाल होते हैं, और जो सवाल लास्ट ईयर इस पैटर्न पर पूछा भी गया था, कुछ हाइट या रेंज का पूछा गया था, उसकी अपन बात करते हैं। सिंपल सिंपल से सवाल है, वैरायटी है, आप देखिएगा दोनों को। बढ़ाओ
चले दादा। टाइम ऑफ फ्लाइट आया, बहुत बढ़िया। मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट, थ्री पॉइंट टू, बढ़िया। रेंज नहीं, बहुत सिंपल बात है बेटा ये तो। मतलब यूं मान लो कि प्रोजेक्टाइल का सबसे आसान निम्नतर स्तर का सवाल है। इस सवाल में मजे की बात एक यहां पर ये भी है कि मुझे कुछ नहीं करना, कंपोनेंट फॉर्म ऑलरेडी दिए हुए हैं। ये वाला आई कैप मतलब एक्स कंपोनेंट दिया हुआ है सीधा सीधा, कितना 6, और इसका वाई कॉम्पोनेंट भी दिया हुआ है सीधा सीधा, कितना 8। और हम सब जानकर आए हैं ये बात कि टाइम ऑफ फ्लाइट जो है वो टोटली किस कॉम्पोनेंट पर डिपेंड करता है, वाई कॉम्पोनेंट पर। फॉर्मूला क्या है, 2UY/G, तो 2 × 8 और जी बोले तो 10, तो ये हो जाएगा 1.6 सेकेंड। और अगर मैं यहां पर मैक्सिमम हाइट की बात कर लेता हूं तो मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला UY²/2G, UY कितना है 8, तो 8 का स्क्वायर 64/20, और ये हो जाएगा 3.2 मीटर। और रेंज की बात हो जाती है तो रेंज का फॉर्मूला क्या है बेटे, ट्वाइस ऑफ UX UY/G, जी माने 10, और ये हो जाएगा 8 × 6 48 × 2 96/10, 9.6।
दूसरे क्वेश्चन में आप जानते हैं कि यहां पर कंपोनेंट तो दे नहीं रखे, यहां तो सीधा सीधा ये यू दे रखा है और यहां पर ये थीटा दे रखा है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या हो जाता है बेटे, 2u sin θ / g। 2u है हमारा 50 और साइन 37 कितना होता है 3/5 और नीचे जी 10। 0 से 0, 5 से 5 कितना आ जाएगा 6 सेकेंड। अगर मैं यहां से मैक्सिमम हाइट निकालना चाहता हूं तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। u कितना है 50, 50 का स्क्वायर 2500 और साइन थीटा कितना 3/5, उसका स्क्वायर करेंगे तो 9/25 और डिवाइड में यहां पर 20। 25 से ये 2500 100 बार कटेगा और 20 से 100 5 बार, तो अब 9 × 5 45 मीटर इसकी हाइट आ गई। फिर जब अपन रेंज की बात करेंगे तो बेटा रेंज के लिए फॉर्मूला क्या लगेगा, यू स्क्वायर साइन 2θ। जैसे 2θ करेंगे साइन 74 बनेगा कि नहीं, साइन 74 हमें डायरेक्ट पता है क्या, नहीं पता। इसीलिए बढ़िया तरीका यहां पर क्या है पता है, आर को लिख दो यू कॉस थीटा इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट। यू कॉस थीटा मतलब इसका हॉरिजॉन्टल कॉम्पोनेंट। तो देखो प्रोजेक्टाइल को 50 से फेंका गया है ना 37 के एंगल पर, तो ये एंगल ये कितना आ जाएगा 40, ये कितना आ जाएगा 30। तो ये जो 40 वाला कॉम्पोनेंट है ये यहां पर यू कॉस थीटा हो गया और टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है 6, तो कितना आ जाएगा 240 मीटर। बड़े बड़ा है कहानी।
होगा कितना, 1000√3। चलिए इस सवाल में क्या कहा है, पहले तो अपन ये बात कर लेते हैं कि रेंज का फॉर्मूला क्या होता है। तो रेंज का फॉर्मूला है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी। और हम सब जानते हैं कि पहले यहां पर 1000 मीटर उसकी रेंज थी, कब, जब उसे 75 डिग्री से फेंका गया। तो हम यहां पर रेंज की जगह लिख देंगे 1000, यू हमने स्पीड मान ली, 75 से फेंका गया, तो यहां क्या हो जाएगा बेटा, साइन 150 बाय जी। और पूरी दुनिया जानती है, इनफैक्ट ऐसे जब पढ़ने के बाद कि साइन 150 किसके बराबर होता है, साइन 30 के बराबर। अरे हाँ, तो हम यहां से क्या लिख सकते हैं, 1000 बराबर यू स्क्वायर साइन 30 डिग्री अपॉन जी। और दूसरे में क्या पूछा है कि यही नई रेंज क्या होगी, यानी आर डैश क्या होगा, कब, जब एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 30 डिग्री, तो यू स्क्वायर साइन 60 अपॉन जी। कीपिंग स्पीड सेम, इसीलिए मैंने दोनों जगह यहां पर यू का ही यूज किया है। और अब मुझे आर डैश पता करना है, तो मैं इक्वेशन 1 और 2 को क्या कर दूं, डिवाइड जैसे ही करूंगा 1000/r'। और यहां यू स्क्वायर बाय जी से यू स्क्वायर बाय जी कैंसिल, ऊपर बचा साइन 30, साइन 30 की वैल्यू 1/2, नीचे साइन 60 की वैल्यू 3/2, ये 2/2 से 2/2 कैंसिल और 1/√3। और इसीलिए यहां से आर डैश क्या जाएगा, 1000√3 मीटर। सही, बड़े, इसका दूसरा तरीका क्या हो सकता था वो भी सुन लो। बस आप इस इक्वेशन 1 को इक्वेशन 1 ना लिखकर यहां से क्या करते, यू स्क्वायर बाय जी की वैल्यू निकाल लेते। साइन 30 कितना होता है, 1/2, 2 पलट के उधर कितना जाएगा, 2000। और यही यू स्क्वायर बाय जी की वैल्यू यहां पुट कर देते, तो आर डैश बराबर क्या हो जाता, यू स्क्वायर बाय जी मतलब 2000 इंटू साइन 60, साइन 60 का मतलब √3/2। ऐसा भी किया जा सकता है। चलिए बात को आगे बढ़ाते हैं। हमने यहां पर एक बात तो ये की कि जब एंगल हमारा 45 होता है, एंगल 45 के केस में जो रेंज होती है हमारी, वो रेंज क्या होती है, मैक्सिमम। और वो कितनी होती है ये भी हमने यहां पर सीख लिया है, आर मैक्स की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी यू स्क्वायर बाय जी। सुनिएगा ध्यान से, तो हमने यहां पर कहा कि अगर किसी बॉडी को, किसी बॉल को यू से प्रोजेक्ट किया, थीटा अगर 45 रखा गया है, और उस केस में हम रेंज जब निकालते हैं तो रेंज मैक्सिमम हमारी यू स्क्वायर बाय जी आती है। तो अगर मुझसे पूछा जाए कि बॉल यहां किस कोऑर्डिनेट पर जाकर गिरेगी, तो यह कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा बेटा, आर मैक्स कॉमा 0। और पूछा जाए कि ये वाला मैक्सिमम हाइट वाला, ये कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, तो ये कोऑर्डिनेट हो जाएगा आर मैक्स बाय 2, H। और ये H कितना होगा ये सोचो, तो ये H कितना होगा, हम लिख सकते हैं H बराबर यू स्क्वायर साइन स्क्वायर 45 अपॉन 2G। और यहां से यू स्क्वायर एज इट इज रख दूंगा, साइन 45 1/√2 का स्क्वायर, 1/2 और नीचे 2 मिलकर, और यहां से यू स्क्वायर बाय जी को क्या लिखा जा सकता है, आर मैक्स, तो क्या हो जाएगा, आर मैक्स बाय 4। तो यहां ये कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, इस कोऑर्डिनेट को आप ऐसा लिख सकते हो कि जो h आया है, ये h अपने पास आया है यू स्क्वायर बाय 4g, तो इसे लिखा जा सकता है आर मैक्स बाय 4। तो यहां से क्या इंफॉर्मेशन कलेक्टिवली अपन सोचेंगे कि क्वेश्चन में कहा जाएगा एक बॉडी है जिसे मैक्सिमम रेंज के लिए प्रोजेक्ट किया है, मैक्सिमम रेंज के लिए प्रोजेक्ट की गई बॉडी की मैक्सिमम रेंज फॉर एग्जांपल है 400 मीटर। तो पूछा जाएगा उस फेंके गए प्रोजेक्टाइल की मैक्सिमम हाइट क्या होगी, कितनी होगी, कितनी
कितनी होगी? तो कितना हो जाएगा आरमेक्स बाय फोर? ऐसे इतने दबी दबी आवाज में क्यों बोल रहे हो? कोऑर्डिनेट बेटा, कोऑर्डिनेट इसके मैक्सिमम हाइट वाले पॉइंट के, मतलब अगर यहां पर ये टोटल कितना है आर मैक्स, तो ये आधा कितना हो जाएगा, और ये हाइट यानी इसका वाई कोऑर्डिनेट, तो वाई कोऑर्डिनेट निकाला तो हाइट कितनी आ गई। कोऑर्डिनेट समझता है? कोऑर्डिनेट गवार। तो यहां से मेरे सवाल फिर से रिपीट करना है। मैंने कहा कि यहाँ किसी एक प्रोजेक्टाइल को फेंका गया फॉर मैक्सिमम रेंज, एंड दैट मैक्सिमम रेंज इज 400, तो बताना है कि उस प्रोजेक्टाइल की मैक्सिमम हाइट कितनी होगी। 100। बात समझ में आ रही है? बिल्कुल इसी पैटर्न पर क्वेश्चन बनता है, और वो 100% मान के चलिए कि वो क्वेश्चन अपने प्रोबेबल सवालों में रहेगा। तो कॉन्सेप्ट को ध्यान से सुनिएगा बेटा, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, क्या सिखाना चाह रहा हूँ। क्वेश्चन यहां से ये है कि अगर हमने प्रोजेक्टाइल को मैक्सिमम रेंज के लिए फेंका, तो इसी प्रोजेक्टाइल की मैक्सिमम हाइट क्या होगी। तो आपने कहा आर मैक्स अगर यहां 400 दिया गया है, तो इसकी मैक्सिमम हाइट कितनी हो जाएगी? 100। सही बात है, डन। इसी में एक क्वेश्चन की वैरायटी इस तरीके से आती है, जिसमें कहा जाता है कि अगर उस पार्टिकल को जब आप मैक्सिमम रेंज के लिए फेंकते हैं, तो मैक्सिमम रेंज वहां से क्या आती है, उसकी आर मैक्स आती है। तो कहा जाएगा, जैसे सवाल मैं वापस से ले आता हूं मैं, कि जडेजा को अपन ने बोला कि भाई तू बॉल को फेंक और मैक्सिमम रेंज के लिए फेंक। तो जब भी वो मैक्सिमम रेंज के लिए फेंकेगा, कितना एंगल चूज करेगा, और जहां पर गिरेगा वो कितना होगा। अब उस जडेजा से बोलो कि बता तू बॉल को मैक्सिमम कितनी ऊंचाई पर फेंक सकता है। तो जडेजा प्रोजेक्टाइल फेंकेगा या फिर सीधा ऊपर फेंकेगा, सोच के बोलना। मैं फिर से कहानी रिपीट करता हूं कि हमने यहां पर कहा कि एक प्लेयर जडेजा, और उसको अपन ने बोला कि भाई तू मैक्सिमम रेंज के लिए बॉल को फेंक। फेंक दी उसने, कितनी होगी वो तो फॉर्मूला वाइज अपन जानते हैं, वो कितना हो गया मैक्सिमम रेंज यूज कर दी। अब अपन ने उससे कहा कि बता तू बॉल को मैक्सिमम कितनी ऊंचाई तक फेंक सकता है। तो वो पागल है जो ऐसे फेंकेगा, हमने क्या कहा है, तो वो सीधा फेंकेगा। और सवाल में एग्जैक्टली यही पूछा जाएगा कि बताइए वो प्लेयर उस बॉल को कितनी मैक्सिमम वर्टिकल हाइट तक फेंक सकता है। तो अब चूंकि मैंने उस बॉल को ऊपर फेंका है, तो मैंने अपना थीटा क्या रखा है, अब मुझे रेंज कुछ नहीं मिलेगी, क्या मिलेगी, मात्र हाइट मिलेगी। और वो हाइट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर बाय 2g। और यहां से आप चाहो तो यू स्क्वायर बाय जी को आर मैक्स लिख सकते हो, तो ये क्या हो जाएगा, आर मैक्स बाय। ये क्यों मैं अलग से इतना ध्यान पूर्वक बता रहा हूं, या मुद्दा मेरा नहीं है, क्यों नीट या जेई मेंस इसको पूछता है बार बार? उसका मैटर सिर्फ ये है कि जब पूछा जाता है एच मैक्स, तो कई लोग इसी फितूर से बाहर नहीं आ पाते, उनको लगता है एच मैक्स आर मैक्स बाय 4 ही होगा। पर आप समझो कि वो सवाल में इस प्रोजेक्टाइल की हाइट पूछ ही नहीं रहा, तो क्या पूछ रहा है, मैक्सिमम हाइट विद एट विच ए प्लेयर कैन थ्रो ए बॉल फ्रॉम ग्राउंड। और उसके लिए प्रोजेक्टाइल की हाइट नहीं नापनी, उस पत्थर को वर्टिकल फेंकना है और फिर उसकी हाइट नापनी है, जो कि कितनी आएगी। यानी एक प्लेयर जैसे जडेजा किसी बॉल को मैक्सिमम रेंज अगर 400 फेंक सकता है, तो जब उससे कहा जाएगा कि तू मैक्सिमम ऊंचाई पर कितनी फेंक सकता है, तो बिल्कुल ऊपर फेंकेगा, और वो हाइट कितनी आएगी, 200। जबकि इसी प्रोजेक्टाइल की हाइट अपन ने नापी थी, तो कितनी आई थी, 100। हम 100 नहीं जानना चाहते, हम 200 जानना चाहते, समझ रहे। अब जो ये फीलिंग है, जो शब्द है ना, इनको सवालों में मैंने लिखा भी है, तो पहले आप ये कॉन्सेप्ट एक बार छापा छुपी कर ले फटाफट, तुरंत लिखें, बस टाइम ना वेस्ट करें इसमें।
ये तो इसका कोऑर्डिनेट है ना, टॉप मोस्ट पोजीशन का एक्स कोऑर्ड, अरे यार कोऑर्डिनेट एक्स कोमा वाई नहीं होता क्या यार भाई? तो ये अगर टोटल कितना है आर मैक्स, तो इसका ये कितना होगा? मतलब मुद्दा ये है कि पूछ लिया जाता है, प्रोजेक्टाइल ऐसे देखे पूछ लिया जाता है टॉप मोस्ट पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, तो हमें पता होना चाहिए। बड़े नहीं, चुप नहीं, हो गया 1 मिनट तुम्हारा, दो वैल्यू लिखनी नहीं है, उसमें भी 2 मिनट खा गए। लिखा, चलिए तो सवाल देखिएगा।
देखेंगे बेटा, यहाँ पर बहुत बड़ी कोई बातें हमने कही नहीं है। इसमें कहा है कि एक प्लेयर जो है बॉल को मैक्सिमम रेंज के लिए जो फेंक सकता है, वो मैक्सिमम रेंज कितनी है? 1000। और हम जानते हैं कि अगर उसकी थ्रोइंग कैपेसिटी यू है तो ये 1000 किसके बराबर हो गया बेटा? यू स्क्वायर बाय जी के। और फिर पूछा है फाइंड आउट द हाइट, द मैक्सिमम हाइट अप टू विच ही कैन थ्रो द सेम बॉल। तो अब मैक्सिमम हाइट के लिए वो ऊपर ही फेंकेगा बॉल को, और यहां पर ये मैक्सिमम हाइट क्या हो जाती है? यू स्क्वायर बाय 2g। तो यू स्क्वायर बाय जी अगर 1000 है तो यू स्क्वायर बाय 2g 500 मीटर आ जाएगा। बिल्कुल वैसे यहां पर इस सवाल में बात कर लेते हैं। ए मैन कैन थ्रो ए बॉल टू मैक्सिमम हाइट 100, यानी इसने ये अपनी क्षमता कब नापी होगी? जब बॉल को ऊपर फेंका होगा, और ऊपर फेंके जाने पर यू स्क्वायर बाय 2g उसे कितना मिला? 100। फिर पूछा है कि अब अगर वो इस बॉल को मैक्सिमम रेंज के लिए फेंके तो क्या होगा? तो सीधी सी बात है, मैक्सिमम रेंज के लिए फेंकेगा तो कहां फेंक पाएगा? यू स्क्वायर बाय जी। तो यहां से यू स्क्वायर बाय जी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 200। मतलब बिल्कुल सिंपल सी बात है, और ये पैटर्न पूछा जा रहा है लगातार, तो अपने को पता होना चाहिए। चले अब अपन बात बढ़ाते हैं कि जब प्रोजेक्शन यानी कोई भी प्रोजेक्टाइल अपन फेंकते हैं तो उस किसी प्रोजेक्टाइल को एक बार थीटा से और एक बार 90-θ से फेंक कर हम देखते हैं। तो शायद रिजल्ट आपको बखूबी याद होगा कि जब एक प्रोजेक्टाइल को थीटा से और दूसरे को 90-θ से फेंका जाता है तो दोनों केस में रेंज सेम आती है। इस कहानी को मैं शुरू से बताता हूं जिसमें हम ये जानते हैं फिलहाल तक कि जब मैं एग्जैक्टली 45 डिग्री का एंगल रखूंगा तो 45 डिग्री का एंगल रखने पर इस बॉल की रेंज मुझे क्या मिलती है? मैक्सिमम। मतलब 45 मेरा इंपॉर्टेंट एंगल है मेरे लिए, और 45 इंपॉर्टेंट एंगल इसलिए है क्योंकि 45 पर ही मुझे रेंज मैक्सिमम मिल रही है। 45 से एंगल ज्यादा हो तो भी रेंज कम होगी, और 45 से एंगल कम हो तो भी रेंज। सही बात है, 45 पर मैक्सिमम। तो यही चीज हम यहां पर सीख रहे हैं कि अगर थीटा से फेंका गया कोई प्रोजेक्टाइल है तो उसकी रेंज R1 क्या लिखी जाएगी बेटे? यू स्क्वायर साइन 2θ बाय जी। और एक जिसको 90-θ से फेंका गया है उसकी रेंज क्या हो जाएगी? तो यू स्क्वायर साइन 2 और थीटा की जगह 90-θ बाय जी। और यहां से आप क्या सीखते हैं? यू स्क्वायर और ये हो जाएगा साइन 180-2θ अपॉन जी। और सब जानते हैं कि यहां पर साइन में 180-θ जो होता है वो साइन थीटा ही होता है। तो यहां से ये फॉर्मूला भी क्या बदल जाएगा? यू स्क्वायर साइन 2θ बाय जी। और इसीलिए यहां से हमें सीखने को मिलता है कि R1 R2 बराबर है। कहने का तात्पर्य क्या है कि अगर अपन यहां पर किसी प्रोजेक्टाइल को फेंक देते हैं, मान लिया 30 डिग्री से, और वही सेम प्रोजेक्टाइल दोबारा से फेंका गया 60 डिग्री से, तो थीटा कितना? 30। तो 90-θ 60, और दोनों परिस्थितियों में उसकी रेंज क्या मिलेगी? सेम। हाँ, क्या ना? अब मैं यहां पर आपको यह सिखाना चाहता हूं, गौर से देखना। मैं ये सिखाना चाहता हूं कि मैंने एक प्रोजेक्टाइल को फेंका किसी यू स्पीड से, कोई भी यू स्पीड से, और एक बार मैंने उसको फेंका 20 डिग्री से और एक बार मैंने उसको फेंका 65 डिग्री से। आपको बताना है किस केस में रेंज मैक्सिमम होगी, केस वन में या केस टू में। तो कैसे हमें सीखना है? पूरी जानकारियां 100 बातों की एक बात यहां पर ये आ चुकी है कि 45 से फेंके जाने पर रेंज क्या मिलेगी?
जितना एंगल 45 के पास होगा उतनी रेंज ज्यादा होगी। मतलब एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, मान लो मैंने 20 डिग्री से फेंका तो रेंज कम, 25 से फेंका तो रेंज, 30 से फेंका तो रेंज, 35 से फेंका तो रेंज, 40 से फेंका तो रेंज, 45 से फेंका तो रेंज मैक्सिमम। फिर जैसे जैसे मैंने एंगल और बढ़ाया रेंज वापस कम होने लगी। तो कुल मिलाकर यहां पर मजे की बात क्या रहती है कि अगर मैं यहां पर रैंडम दो एंगल के लिए पूछता हूं जिनके हाथ पांव नहीं पता, आप ना तो टेन साइन 20 की वैल्यू जानते ना साइन 65 की वैल्यू जानते, सॉल्व तो कर ही नहीं सकते। आपको फिर भी बताना है कि दोनों के केस में यहां पर रेंज किसमें ज्यादा होगी और किसमें कम होगी। तो सबसे बढ़िया तरीका पता है क्या है कि आप ये देखें कि 45 डिग्री से इन दोनों का डिफरेंस कितना है। तो इसका डिफरेंस कितना है 45 डिग्री से, 25, और इसका 20। डिफरेंस यहां पर ये बता रहा है, डिफरेंस इस बात को समझा रहा है कि कौन 45 के करीब है, और जो 45 के करीब एंगल है रेंज उसमें, और जो 45 से जितना दूर चला गया एंगल रेंज उसकी उतनी ही कम होती चली जाएगी। तो मैं क्या लिख सकता हूं, R65 इज ग्रेटर देन R20। सहमत है इस बात से? मतलब मैं अलग अलग ढेर सारे एंगल दे दूं तो आप उनमें ये बता पाएंगे कि किसमें रेंज ज्यादा मिलेगी किसमें रेंज कम मिलेगी, आराम से बता पाएंगे, है ना। एक सवाल आगे भी है, पहले ये छाप लो जो भी लिखना है आपको। लिखा बड़े, पहले ये वाला करेंगे है ना, इधर वाला सवाल ये पहले करूं।
इंक्रीजिंग ऑर्डर में जमाना है, तो सबसे बड़ी रेंज कौन सी होगी वो हमें पता है 45 वाले कंडीशन में, तो अपन यहां पर लिख सकते हैं द लार्जेस्ट रेंज इज अनडाउटेडली 45, R45, राइट। अब उसके बाद ये पैटर्न कैसे पता करना है, इसका मैं बढ़िया सा आपको तरीका बताता हूं। तरीका है 45 डिग्री के साथ सबका क्या देख लूं, डिफरेंस। इसका डिफरेंस 25, इसका डिफरेंस 8, इसका 0, इसका 15, इसका 30। जितना ज्यादा डिफरेंस रेंज उतनी कम, और 45 के जितना करीब रेंज उतनी। सबसे ज्यादा डिफरेंस, अरे हाँ ना, तो 75 डिग्री पर फेंके जाने पर रेंज सबसे, उसके बाद 20 डिग्री, उसके बाद 60, उसके बाद 37 और अंत में 45। इसमें बता दो, बेटा सबसे ज्यादा शॉर्टेस्ट टाइम से बड़े की। हाँ तो देखो, ऐसे सवाल का सबसे बढ़िया तरीका क्या है, गौर से समझना। आप जानते हैं कि जो टाइम ऑफ फ्लाइट है और जो मैक्सिमम हाइट है, ये दोनों किस बात पर डिपेंड करते हैं? अरे हाँ ना, जिसकी हाइट ज्यादा है उसका इसका यू वाई, और जिसका यू वाई ज्यादा है उसका टाइम ऑफ फ्लाइट भी ज्यादा ही होगा। तो जो सबसे ऊंचाई पर दिखाई दे रहा है उसका टाइम ऑफ फ्लाइट भी सबसे ज्यादा होगा। फिर उसके बाद जिसकी हाइट कम वो सेकंड नंबर पे, फिर ये थर्ड नंबर पे, फिर ये फोर्थ नंबर पे, फिर ये फिफ्थ नंबर, मतलब ज्यादा ऊंचाई वाले का टाइम ऑफ फ्लाइट ज्यादा ही होगा, ये पक्की बात है। तो आप इस तरीके से लिख लेना, टाइम ऑफ फ्लाइट सबसे पहले अपन को शॉर्टेस्ट लिखना है ना, तो 15 डिग्री वाले का सबसे कम, फिर उसके बाद 30 डिग्री वाले का, फिर कौन है 75। पढ़े
पर रेंज के लिए नहीं बोल सकते, है ना। बढ़ाएं अरे बढ़ा दूं, जाएगा रेंज बराबर ट्वाइस ऑफ मैक्सिमम हाइट दे रखा है, और हमें यहां से जो वेलोसिटी दे रखी है ना कंपोनेंट फॉर्म में, यहां से अगर मैं पूछूं यूएक्स कितना तो आपका जवाब होना चाहिए ए, और यूवाई कितना तो बी। और रेंज का फॉर्मूला हम क्या लिख सकते हैं कंपोनेंट फॉर्म वाला, ट्वाइस ऑफ यूएक्स यूवाई बाय जी। और मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं बेटे, यू वाई स्क्वायर बाय 2g। और वैल्यूज यूएक्स यूवाई की सब भर डालो अपनी अपनी जगह पर, तो यूएक्स की जगह ए लिखना है, यूवाई की जगह बी लिखना है, नीचे जी लिखना है, और यहां पर यूवाई की जगह बी लिखना है, और यहां पर ये 2g। जो कट सकता है वो काट पीट के ए और बी के बीच का रिलेशन देख लो, एक बी से बी कट गया, जी से जी कट गया, दो से दो कट गया, तो यहां से 2a इज इक्वल्स टू बी। बड़े बढ़ा दो चलिए, तो बात बढ़ाते हैं यहां पर इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री के लिए। और ध्यान से देखिएगा, हमारे पास जो पार्टिकल है जिसको अपन किसी यू स्पीड से थीटा एंगल से फेंकते हैं, और ये यहां से जाकर यहां गिरता है धड़ाम, ये वाला जो एक्स एक्सिस है, इस एक्स एक्सिस पर अगर अपन पूछें कि एक्स एक्सिस के अलोंग इसका डिस्प्लेसमेंट हम किसी कोऑर्डिनेट एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं और वाई एक्सिस के अलोंग उसके डिस्प्लेसमेंट को वाई से रिप्रेजेंट करते हैं, तो पार्टिकल जब उड़ता चला जाता है तो यहां पर किसी एक रैंडम पोजीशन पर, किसी रैंडम पोजीशन पर उसका कोऑर्डिनेट क्या होता है बेटा, एक्स कॉमा वाई। और ये जो ट्रेजेक्ट्री है ना, ट्रेजेक्ट्री इसका हिंदी अनुवाद होता है इक्वेशन ऑफ पाथ। यानी जो ये पाथ है, इस पाथ का इक्वेशन कैसा होगा, दैट मींस
एक्स और वाई के फॉर्म में इस पाथ को कैसा रिप्रेजेंट किया जा सकता है, और एक्स और वाई क्या होंगे बेटे, इस पाथ के किसी भी रैंडम पॉइंट पर कोऑर्डिनेट्स, राइट। तो हमने यहां से कहा कि इसका एक्स कोऑर्डिनेट किसी समय पर किसी टाइम टी पर एक्स कोऑर्डिनेट कितना है एक्स, और वाई कोऑर्डिनेट कितना है वाई। वाई कोऑर्डिनेट मतलब ये वाली हाइट, एक्स कोऑर्डिनेट मतलब ये वाला डिस्टेंस। और आप सब जानते हैं इस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी, वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी। तो हमने यहां पर क्या x बराबर u cos थीटा इंटू t लिखना सीखा है, क्या यहां पर y बराबर u sin थीटा t माइनस हाफ g t स्क्वायर लिखना सीखा है। अब यहां पर x भी किसके रूप में है, t के साथ, y भी, तो हम क्या चाहते हैं x और y। तो वेरिएबल कौन कौन है ध्यान से देखना, x इज रिलेटेड विद टाइम, y इज रिलेटेड विद, हम टाइम को गायब करके x और y में रिलेशन बनाना चाहते हैं, और वही ट्रेजेक्ट्री होता है। कुछ नहीं करना, सिंपल सी बात है, यहां से t की वैल्यू चुरा लो, फर्स्ट इक्वेशन से चुरा ली, क्या आई t की वैल्यू, और यहां रख दो y बराबर u sin थीटा, और ये हो जाएगा t की जगह x अपॉन u cos थीटा माइनस हाफ g x अपॉन u cos थीटा का होल स्क्वायर, और यहां से ये आ जाएगा, गौर से देखना बेटा, y बराबर u से u कट गया, और यहां से हो जाएगा x tan थीटा माइनस g x स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। और सुनना बात को, इसी इक्वेशन को अगर अपन tan थीटा कॉमन लेकर इनफैक्ट x tan थीटा कॉमन लेकर जब बनाते हैं तो यहां क्या बचेगा, और यहां जो बचता है वो सारा मिलजुल कर बन जाता है x by r। मतलब देखो, मैंने x और tan थीटा कॉमन ले लिया, तो यहां से एक x कॉमन आ गया, तो एक x बचा, और जो ये सारी पंचायत बच रही है ना, 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा g tan थीटा कॉमन लेने के बाद, वो सारा मिलजुल कर क्या बन जाएगा, आपको ज्यादा परेशान नहीं होना, सीधा सा आपको याद रखना है। तो याद रखने की जो बड़ी बड़ी बातें यहां पर है वो है कि एक तो ट्रेजेक्ट्री का ये वाला फॉर्मेट, ट्रेजेक्ट्री का ये वाला फॉर्म कब यूज करेंगे, जब रेंज पूछी या दी जाएगी। रेंज अगर ना पूछी जाए ना दी जाए, यानी यहां पर थीटा और यू अगर दिए जाए, तो उस कंडीशन में हम फर्स्ट ऊपर वाली ट्रेजेक्ट्री की इस इक्वेशन का इस्तेमाल करेंगे। छापे जल्दी से काइको, चलो ठीक है, हिसाब लेगा, ये याद रखनी है बेटे, है ना, ये दोनों मतलब जितना याद रह जाए ठीक है, बढ़िया है, काम चलना चाहिए अपना। धन्यवाद। नहीं यार, फिर कभी अगले वाले में, अगले बुधवार। हेलो, आपकी क्लास कंटिन्यू रहेगी वाई आंसर की। हेलो, सीबी वन सीबी टू क्लास कंटिन्यू रहेगी आपकी वाई आंसर की।
मोए मोए तो मेरे साथ होते होते बच गया, मेरे को तो पता ही नहीं चला था छुट्टी है। वो तो वो बताइए भैया। भूपेंद्र जोगी नेक्स्ट नहीं बने, मैंने कहा था कि बाद में, चलो ठीक है। ये देख धमकी दे रहा है अभी अभी। बैठ जा बैन कर रखा था इसने छपरी। तो तू क्या प्लान था तेरा? लिखा ये, लिखो लिखो जल्दी लिखो। नहीं नहीं अब घर नहीं, यहीं पे पढ़ेंगे। नहीं यार भाई यार, अब मौका मिला तो पढ़ लेना चाहिए। मुझे तो ये लगता है कि जब जब ऐसा सुनहरा अवसर जब भी मिले ना पढ़ लेना चाहिए। लोग बाग बकैती के लिए तो बहुत मिलते हैं, कभी पढ़ाई के लिए मिलो। तो फिर जल्दी पढ़ ले फिर ये तो। अरे ठीक है पहले पढ़ ले, अगर तेरे तेरे वो क्या कहते हैं तेरे लक्षण सही रहे तो गाना सुना दूंगा। तू अभी बोले जा रहा है ना, उतना टाइम खराब हो रहा है। हाँ ये लिखा, लिखो लिखो जल्दी लिखो। ये देखते हैं यार 19, 20, 21, 22 मतलब 3 एक स्लाइड और है उसके बाद। नहीं नहीं खत्म क्यों, उसके बाद हाँ जल्दी छोड़ूंगा, बस ये स्लाइड कंप्लीट कर लेते हैं फिर छोड़ दूंगा। क्वेश्चंस ये ज्यादा नहीं है। तो कहानी बढ़ाते हैं, सवाल देखो आप यहां पर, सवाल देखो तुरंत। यहां पर अपन ने ये इक्वेशन ट्रेजेक्ट्री की दे दी है, y बराबर x माइनस एक्स स्क्वायर बटे 16। और फिर अपने से यहां पर पूछा गया है, इसका तो कोई मतलब है नहीं यहां पे, अपने से पूछा गया है एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, हॉरिजॉन्टल रेंज, ये सब बतानी है। बेटा यार वो बोला तो मैंने कहा वो सारी क्वांटिटीज को जोड़ जाड़ के जोड़ तोड़ के लाया जा सकता है, उसके कोई मतलब नहीं। अंत में तेरे को इक्वेशन ही याद रखनी है तो क्यों फालतू मेरे से मेहनत करवा रहा है। वो कहां भाग गया, समोसा कहां गया? देखो बेटा यहां पर सॉल्व कैसे करना है गौर से देखिएगा। मैं आपको पहले ये समझा देता हूं कि जब कभी भी इस प्रकार की इक्वेशन होगी, जैसे इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री दे दी कुछ इस तरीके से, और अपने से रेंज और एंगल थीटा पूछा है, तो बेस्ट आइडिया क्या बन सकता है बेटा कि मैं यहां से एक्स को कॉमन लेकर यहां क्या बना दूं, और वन यहां से एक्स कॉमन आ गया, यहां वन बन गया, माइनस की जगह माइनस एक्स स्क्वायर में से एक्स कॉमन आ गया, यहां यहां 16। अब इसको कंपेयर करो अपनी उस जानकारी से जो आपने जस्ट पहले लिख रखी है, एक्स टेन थीटा ब्रैकेट वन माइनस एक्स बाय
आर से। तो यहां पर एक्स का कोफिशियंट कौन है, यहां एक्स का कोफिशियंट कौन है, इसका मतलब टेन थीटा ही वन है, यानी यहां से थीटा कितना आ जाएगा 45। यहां वन है बिल्कुल, माइनस है बिल्कुल, एक्स की जगह एक्स बिल्कुल, ये नीचे आर की जगह 16, तो रेंज कितनी आ जाएगी 16 मीटर। इस अगले वाले को सॉल्व करो। हाँ बेटे, हाँ जी एक्स स्क्वायर बटे 50। इस अगले क्वेश्चन में लिखा हुआ है रूट थ्री एक्स माइनस जी एक्स स्क्वायर बटे 50। तो बेटा इसमें क्या करेंगे, यहां पर आप इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री को देखो, एक मिनट, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री का जो ऊपर वाला फॉर्मेट था वो कुछ ऐसा था, एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये वाला है ना, तो एज इट इज ये मैंने यहां पर लिखा। अब मैं इसको इससे कंपेयर कर रहा हूं, तो एक्स का कोफिशियंट कौन, तो यहां से क्या लिखा जा सकता है, टेन थीटा बराबर 60। फिर यहां देखो एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट, यहां भी एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट, वो कौन है जी बटे 50, किसके बराबर, जी बटे 2 यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर। हां के ना, देखो बेटा ऊपर जी एक्स स्क्वायर नहीं, जी था, मैंने बोला भी था, पूछा था भाई ने कि ये क्या है, तो ऊपर क्या लिखा है बेटे जी एक्स स्क्वायर, यहां भी क्या है जी एक्स स्क्वायर, तो डिनोमिनेटर वाला 50 किसके बराबर, इसके, तो आप चाहे तो यहां से ये भी लिख सकते हैं 50 बराबर 2 यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, थीटा कितना 60, उसमें से मुझे निकालना क्या है u, सॉल्व करेंगे तो 2 से 50 को कितनी बार, पूरे का अंडर रूट कर दूं, अंडर रूट कर दूंगा तो यहां 5 यू स्क्वायर का अंडर रूट यू, कॉस स्क्वायर का अंडर रूट कॉस, और कॉस 60 की वैल्यू 1/2, तो यू इंटू 1/2 बराबर 5, तो यू बराबर 10। दोनों सवालों से अपने को ये आइडिया लग रहा है, लगना चाहिए कि कब मुझे आर वाले इस फॉर्मेट से कंपैरिजन करना है और कब मुझे इस जनरल जो बड़ा वाला फॉर्मूला है उससे कब कंपैरिजन करना है, और वैरायटी दो ही बनेगी, दो से कोई तीसरी वैरायटी है ही नहीं।
किसी को भी इन दोनों चीजों में डाउट हो तो बात कर सकते हैं। जी की वैल्यू 10 रख दो ना बेटा, ऊपर भी जी है नीचे भी जी है, तो दोनों जगह जी रखने पे कट ही जाएगा ना। मेन इक्वेशन लास्ट में कौन सी, ये वाली कर सकते हैं। बढ़ाओ आगे, क्या आ गया? चुप रहे। अबे अब यहां से मैटर क्या निकल कर आता है कि अगर अपन ये जो प्रोजेक्शन है, जो ये प्रोजेक्टाइल है, स्टार्टिंग जो अभी तक हम पढ़ रहे थे वो सारा क्या था, ग्राउंड टू ग्राउंड, मतलब मैं ग्राउंड से फेंकूंगा और ग्राउंड तक वापस आना है। ईच एंड एवरी सिचुएशन लाइक दैट, कुछ भी हो जाए वहां पर अपने को कंडीशन वैसी ही मिली। अब अपन यहां पर क्या बात करते हैं कि मैं किसी हाइट से किसी एक पार्टिकल को किसी एंगल पर यू स्पीड से प्रोजेक्ट करना चाहता हूं, तो इसको अपन लिख देते हैं केस टू। और ऐसा करने से क्या होगा बेटे, ये बॉल ये पत्थर यहां से कुछ ऐसे जाएगा और यहां पर जाकर टकराएगा, और इस कंडीशन में हमें कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लिखने को मिलेगा। हमने किसी हाइट से फेंके गए 1D प्रोजेक्शन में भी बात किया था, कोई फॉर्मूला नहीं होता, सिंपल इक्वेशन ऑफ मोशन का रोल रहता है। तो देखिएगा यहां पर सिंपल बातें, बिल्कुल बेसिक, हमारा पहला काम क्या होना चाहिए, यू को रिजॉल्व करना। तो हम यू के रिजॉल्व करके इस कॉम्पोनेंट को क्या लिखते हैं, ये वाला टावर की हाइट एच। वहां से यहां तक पहुंचने के टोटल लगे हुए टाइम को कैपिटल टी। अगर कोई मुझसे पूछे रेंज कितनी है, बोले रेंज कितनी होगी, u cos थीटा into टाइम। सही है मैटर यहां तक। अब अगर हम बात करना चाहते हैं यहां पर कि मुझे अगर इन केस टावर की हाइट पूछ ली जाए, तो टावर की हाइट पूछ ली है या इक्वेशन ऑफ मोशन अगर मैं लगाना चाहूं, तो मैं लिखना चाहता हूं इन y डायरेक्शन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो क्या लिखेंगे बेटे, vy बराबर uy माइनस gt, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन डिस्प्लेसमेंट h बराबर uy t माइनस हाफ gt स्क्वायर, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन vy स्क्वायर इज इक्वल्स टू uy स्क्वायर, और यहां पर ये हो जाएगा माइनस या प्लस लिख देता हूं 2 g की जगह माइनस और h की जगह प्लस माइनस h। डिपेंड्स ऑन क्वेश्चन कि यहां पर मुझे h पॉजिटिव वाली बात करनी है या नीचे आऊंगा नेगेटिव वाली बात करनी है। अगर मैं बिल्कुल ग्राउंड पर आ जाता हूं, जैसे मैंने लिख दिया एट ग्राउंड, तो ग्राउंड पर आ जाने पर अपना वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा बेटा, यहां से जब यहां आ जाएंगे तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, माइनस एच। बहुत बढ़िया, माइनस एच। तो उस केस में अपनी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन कैसी हो जाएगी, वी वाई स्क्वायर बराबर यू वाई स्क्वायर, यहां माइनस 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 प्लस, तो प्लस का 2gh। ये लिखें,
जैसे यहां से ये यहां तक आया, तो अब ग्राउंड तक जब मैं आ जाऊंगा तो मुझे ये बताना था कि ग्राउंड तक आ जाने पर इसका वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा। तो फेंका यहां से है, टॉप से ग्राउंड पर आ गए तो वर्टिकली कितना नीचे आए, एच, किस दिशा में, और नीचे है तो माइनस, तो ये डिस्प्लेसमेंट अपना हो गया माइनस एच, और यही माइनस एच थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में मैंने रख दिया, तो वी वाई बराबर यू वाई स्क्वायर माइनस माइनस प्लस टू जी कैपिटल एच, ये अपन ने लिखा है। बड़े बड़ा दूं, चलिए इस बिल्कुल इसी कॉन्सेप्ट पर सवाल देखते हैं, बड़े प्यारे सिंपल से सवाल है ना, चला दूं ना आगे। तो देखिएगा बेटा, यहां पर एक टावर के टॉप से किसी स्पीड किसी एंगल से एक बॉल को एक पत्थर को फेंका और वो पत्थर ग्राउंड पर हिट करता है कितनी देर बाद, 8 सेकंड बाद। तो आपको दो चीजें बतानी है, टावर की हाइट और रेंज। चीज रेंज, हाइट,
हाँ जी बेटा, 80 मतलब हाइट कितना आ रहा है, 80। देखिए यहां से सबसे पहला काम आपका क्या होना चाहिए, कंपोनेंट। ये कितना, अरे गवारो, और ये वाला, अब आप जानते हैं ये 40 मतलब यू कॉस थीटा, और रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, रेंज बराबर यू कॉस थीटा इंटू टी कितना, 8। ये यू कॉस थीटा कितना, 40, तो 40 इंटू 8 कितना, ये तो आ गई अपनी रेंज। इसके बाद मेरा काम है एच निकालना, एच मतलब वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, हाँ कि ना, तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट के लिए वाई डायरेक्शन में मैं इक्वेशन लगा दूंगा, कौन सी इक्वेशन, 2, वाई डायरेक्शन सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, और मैं क्या लिखूंगा, डिस्प्लेसमेंट वाई मुझे पता करना है, वर्टिकल वेलोसिटी 30, टाइम 8, माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, कितना हो गया ये 240, माइनस ये कितना हो गया 320, कितना आ गया माइनस 80 मीटर, और यहां से वाई माइनस 80 मीटर माइनस बता रहा है डायरेक्शन को, तो हाइट ऑफ द टावर विल बी 80 मीटर। टाइम आ गया, वापस से सीधी सीधी गणित है कि यहां से हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी, यू कॉस थीटा, और थीटा 30 डिग्री, तो यू कॉस थीटा कितना हो जाएगा, 10√3, और रेंज को क्या लिखा जा सकता है बेटा, यू कॉस थीटा इंटू कैपिटल टी, और u cos थीटा है हमारा 10√3 इंटू टी बराबर 50√3, तो t बराबर 5 सेकेंड। अब h कैसे निकलेगा, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन से, तो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन में हम यहां पर डिस्प्लेसमेंट h पता करेंगे, वर्टिकल वेलोसिटी 10, तो यहां आ जाएगा 10 इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, तो यह आ जाएगा 50 माइनस 125 माइनस 75, तो टावर की जो हाइट आ गई है वो हाइट आ गई है यहां से 75 मीटर। यार भाई यार ऐसे क्या करता है, अभी को केस थर्ड की बात कर रहे हैं और यहां पर कुछ नहीं करना, बस यू से पहले ऊपर किसी एंगल से फेंका था ना ऐसे, अभी नीचे फेंकना है, किसी यू स्पीड से हॉरिजॉन्टल से थीटा नीचे, तो ये यहां से प्रोजेक्टाइल कैसा आएगा, ऐसा आएगा, ऐसे घूम के तुरंत यहां गिर जाएगी। अब कंपोनेंट क्या होंगे, ये वाला अभी भी, ये वाला अभी भी, और यू साइन थीटा ऊपर के बजाय, आएगा, तो अब यहां से अपन क्या कह सकते हैं, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या लिखी जाएगी बेटे, वी वाई बराबर माइनस यू वाई माइनस जी टी, क्या हुआ छल लगा क्या, h बराबर माइनस यू वाई टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, थर्ड इक्वेशन वी वाई स्क्वायर बराबर यू वाई स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2gh। इस पर क्वेश्चन कैसे बनेगा, सिंपल सी बात है,
बात है कि 100 से फेंका और यहां से 53 का एंगल बना और टावर की हाइट ले लेते हैं यहां पर अपन। ये वेलोसिटी ज्यादा हो गई यार, कोई बात नहीं, ये यहां पर ग्राउंड पर हिट कर जाता है 2 सेकंड पर। आपको एक तो रेंज बतानी है और आपको टावर की हाइट बतानी है। ठीक है, धन्यवाद। नहीं यार आज नहीं, आज पता नहीं, आज मूड नहीं है यार, डाउट है तो बाहर आ जा। आज नहीं भाई, फिर कभी, अच्छे दिन पक्का। अरे आएंगे अच्छे दिन आएंगे, लिख लो, सॉल्व कर लेना इससे तुरंत।